आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। बिल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दमोह जिले सहित मध्य प्रदेश में लगातार अवैध अनाज का व्यापार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सागर मंडी बोर्ड के द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसने दमोह जिले के जवेरा में बीते दो दिन से लगातार कार्रवाई प्रारंभ की, जिसमें कई वाहनों पर कार्रवाई की गई। वहीं दो वाहन जो कि अंतर्राज्यीय व्यापार कर रहे थे, बाहर से अनाज ला रहे थे, उन पर भी कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में अधिकारी के द्वारा विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया। क्या कहना है सुनते हैं। संचालक महोदय जी श्री एस के कुमरे जी के मार्गदर्शन में पुरान दस्तावेज व्यर्थ किया गया था, उसी के आधार पर अवैध वाहनों की निरीक्षण करते हुए 28 तारीख में 79,883 रुपये और 29 तारीख में 12,761 रुपये की वसूली की गई है, जिसमें कुल टोटल 92,644 रुपये वसूल किए गए हैं, जो राज्य शासन के खाते में जमा होंगे। इस प्रकार से मंडी क्षेत्र जवेरा में, पूरे मंडी क्षेत्र में अवैध व्यापार पर नियंत्रण किया जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दमोह के तहसील ग्राउंड से पुरस लाइन तक पुलिस के द्वारा सुबह एक फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च फ्लैग डे के अवसर पर निकाला गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर यह जिला पुलिस बल के द्वारा निकाला गया फ्लैग डे पर दमोह के तहसील ग्राउंड से पुलिस लाइन तक फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के अधिकारियों सहित कर्मचारियों की उपस्थिति रही। दमोह जिले के बटियागढ़ में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा तहसीलदार को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया, जिनके द्वारा बताया गया कि लगातार बिजली कटौती से परेशान किसान, वहीं उन्हें समय पर खाद बीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।